जिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम थी या चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, चाहे ये घर के मामला हों, चाहे इनके माली मामला हों, चाहे इनके इंसाफ के मुतलका मामला हों, चाहे इनके एग्रीमेंट हो, कोई भी शोभा हो, इनके अल्लाह ताला इनका रिवार्ड देंगे, इनकी मेहनत का रिवार्ड मिल जाएगा। वो जो जो तो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खास है, क्योंकि मैं वो एक खास अमल बताने लगा हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छी एनर्जी रख रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी जो भी है, वो जो खास अमल करोगे तो उससे आपकी कामयाबी के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत जबरदस्त इनकी रिसर्च होती है और रीडिंग होती है आप सबके अल्फाबेट्स के हवाले से, क्योंकि ये टैरो कार्ड से आपके अल्फाबेट्स के हवाले से आपको गाइड करते हैं और बताते भी हैं। और आज का मौजू 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये 2024 का जो आखिरी महीना है, इसमें कौन से जो अल्फाबेट्स हैं जिनके ऊपर जो एनर्जीज हैं उनकी क्या होंगी, किनकी टॉप पे एनर्जीज हैं, किन्होंने एहतियात करनी है, और जिन्होंने एहतियात करनी है उन्होंने क्या पढ़ना है, और जिनकी टॉप एनर्जी है उन्होंने क्या पढ़ाई करनी है, और उसके अलावा वो एनर्जीज किस किस सेक्टर में उनकी सबसे ज्यादा होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये टाइम शुरू होगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, मिड ऑफ चलेगा दिसंबर का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई बड़ा अच्छा आप लोगों को गाइड करते हैं, बताते भी हैं, कार्ड्स के हवाले से आपको एनर्जीज आ जाती हैं अल्फाबेट्स की। जो अल्फाबेट्स की एनर्जी वो है, जैसे मेरा नाम फलक है तो एफ से मेरा नाम है, तो एफ वाला मैं देखूंगा कि एफ की एनर्जी क्या है। अगर टॉप में हुई तो दाऊद भाई बताएंगे, नहीं होगी तो उसमें फिर ये मुझे चीजें बताएंगे। इसी तरह आप लोगों के नेम्स होंगे, जो स्टार्ट आपका नाम जिससे होगा उस चीज की एनर्जी काउंट होगी। दाऊद भाई 15 दिसंबर से 31 दिसंबर किसके लिए अच्छा, किसने एहतियात क्या होने जा रहा है? देखिए जी, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की बात करूं तो तमाम अल्फाबेट के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन टॉप की पहले बात करूंगा, और जिनको मैं नाम नहीं लूंगा उनकी काज बताऊंगा, वजह बताऊंगा कि क्यों नहीं उनको मैंने टॉप पे लिया, और उसका सलूशन भी बताया जाएगा कि अगर वो ये काम कर लें तमाम के तमाम, वो जोडिक यानी कि जोडिक में अल्फाबेट, मैं यहाँ पे अल्फाबेट की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता जो जोडिक में भी वो नाम आते हैं तो वो भी उसको यूज कर सकते हैं, तो अल्फाबेट की एनर्जी, क्योंकि वो अगर वो कर लें अमल कर लें तो वो बड़ी नेगेटिविटी से बच जाएंगे, बहुत कुछ उनके लिए जो है वो बड़ी तब्दीली आएगी। तो अब मैं ए से जी तक की बात, मैं सबसे पहले टॉप की बात करूंगा, और जो मैं अमल बताऊंगा अगर टॉप वाले करेंगे तो सोने पे सुहागा, और अगर जिनके ऊपर नेगेटिव वजह आएगी, जो के नेगेटिव एनर्जी के जेरे अताब आएंगे वो करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ी खास रहमत और बरकत हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब तो टॉप टॉप का में कौन से सा है? ए वाले। ए वाले, जिनका नाम ए से अक्सर स्टार्ट ए होता है। वालों के ऊपर खास अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह का नाम जो इन्होंने पूरी जिस रब ने पूरी कायनात बनाई है, अलिफ से शुरू होता है, और इसी तरह कई नाम जो मीम से शुरू होते हैं उनके ऊपर भी बड़ी अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत होती है। बरकत होती है। मगर वो तो अब हम जो एनर्जी निकालेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर इन नामों का असर बड़ी बड़ा जबरदस्त होता है जिंदगी के ऊपर, आपके मामलात के ऊपर, आपके जो रूहानी मामलात हैं, बहुत ज़रा असर होता है। तो ए वाले क्यों अहम है इन 15 दिनों में? इनकी फैमिली से मुतलका जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, अच्छा, खासकर घरेलू जिंदगी, जिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम थी या चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जिनके बच्चों के इश्यूज चल रहे थे कि जो बच्चे तालीमी मामलात में सही प्रोग्रेस नहीं दे रहे उनकी तालीमी मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद आ जाएगी, जिन के घरों में नाचाकी परेशानी रहती है वो खत्म हो गई, जिनके शादी से मुतलका मंगनी और शादी, अगर कोई शादी ब्याह के दिन ए वाले डालना चाहते हैं तो इन दिनों में रख लें, सिलेक्ट कर लें, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अच्छा, अच्छा, इस ए के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सी की एनर्जी क्लैरिटी मिल जाएगी,
आप जो करना चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमने करना है ये नहीं करना, फैसला क्या करना है, फैसले की एनर्जी, फैसला कुन मरहले में आप सी वाले शामिल हो जाएंगे। और जिसका सी से नाम स्टार्ट होता है, सी का बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और बड़ी एनर्जेटिक सूरत हाल में रहेंगे आप। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल है वो डी वालों के साथ भी बड़ी जबरदस्त रहेगी। अच्छा, इनकी इंट्यूशन, इनकी एनर्जी, इनके राबते, आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, राबते बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, तो बहुत पावरफुल एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, चाहे लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करें तो जी वाले इनकी भी टॉप एनर्जी बहुत अच्छी मदद है, बहुत ही करने के लिए क्या फैसले ले सकते हैं, हर तरह के फैसले, ट्रेवल, यानी के ये एक फोरकास्ट है। अच्छा, आप कुछ भी कर लो, आप बिजनेस में, आप कारोबार में, आप ट्रैवलिंग में, तो ये चीजें आपके पावरफुल होंगी। अच्छा, एच वाले तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इसमें जी में जो फीमेल्स हमें देख रही हैं उनके लिए क्या चीजें? फीमेल्स के लिए उनकी एजुकेशन, जो लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं वो बड़ी कामयाब रहेंगी, जो लोग मीडिया से हैं वो बड़ी कामयाब रहेंगी, जो लोग, जो लड़कियां जो है वो सोशल मीडिया का काम कर रही हैं, बड़ा एनर्जेटिक नजर आती है, प्लान बहुत है, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री खासकर जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो लोग गुफ्तगू शनीद करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, एच वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, हाई द एम्परर, बादशाह वाली हालात पैदा हो जाएंगे ये 15 से 31 दिसंबर, बहुत बहुत सॉलिड फैसले होंगे, कामयाबी मिलेगी। हसनैन है, अच्छा जी, इनको सेक्टर, अच्छा यहाँ पे सेक्टर, एक तो ये है कि इनके ऑटोमेटिक स्टार्स एक शाइनिंग स्टार्स की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ये अगर आर्किटेक्चर हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो कपड़ों का काम कर रहे हैं, कोई कटिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी शोबे के मुतल्लिका लोग हैं, इनके पास एक बड़ा काम आने का चांस नजर आता है। जैकपॉट लग, 15-31 दिसंबर जैकपॉट भी लग सकता है एच वालों को। एच वालों के वालों के लिए कमाल की एनर्जी है, कामों में मसरूफ नजर आते हैं और बिल्कुल अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, मसरूफ सर जो है वो कामों की तरफ ध्यान करके लगे हुए नजर आते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी नजर आती है के वालों के लिए। एन वालों को कुछ सफर कर मिल सकता है, कोई खबर मिल सकती है, कोई राबता मिल सकता है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं एन वाले। इनकी इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। ओ वालों के लिए रुका हुआ कोई पुराना काम वालदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से बड़ी सपोर्ट, और ये काउंसलिंग ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से आसानियां पैदा हो रही हैं। क्यू वाले जस्टिस, इंसाफ पे खड़े हैं, ठीक है, इनके मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद होगी, कामयाबी मिलेगी। और ये जस्टिस का जब कार्ड निकलता है, ये वुकला हजरात ओ में जिनका, उनके लिए में जिनका नाम होगा, चाहे ये घर के मामलात हो, चाहे इनके माली मामलात हो, चाहे इनके इंसाफ के मुतल्लिका मामलात हो, चाहे इनके एग्रीमेंट हो, कोई भी शोबा हो, इनके अल्लाह ताला इनका रिवार्ड देंगे, इनकी मेहनत का रिवार्ड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और यू वाले बहुत जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, इनके काम बड़े जबरदस्त, सपोर्टिव, और इंट्यूशन, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, जाहरी मामलात, रूहानी मामलात, तुलबा तलबात, घरेलू मामलात, सब कामयाबी की कुंजी है। मजिशन, जादू की छड़ी आपके पास है, हालात को चेंज कर लें, ठीक है। और आर वालों का भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सपोर्ट है, बहुत अच्छी मदद है, कामयाबी है, हालात में बेहतरी है, जहरी और रूहानी मददें हैं। वाय वालों को सुकून महसूस होगा अपने घर में रहने से, अपने घर के मामलात को देखने में, अपनी फैमिली में वक्त गुजारने से, बहुत जबरदस्त एनर्जी। और जेड वाले खुशियां हासिल करेंगे, अच्छी एनर्जी, इमोशन, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, रुके हुए काम हो सकते हैं, एनर्जेटिक नजर आते हैं, पावरफुल नजर आते हैं जेड वाले जो। तो ये तो थी टॉप की, अब जो थोड़ी बहुत वीक है उसके बारे में बात करूं, बी वाले सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, सेहत के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। ई वाले जादू के जेर असर आ सकते हैं, नेगेटिव सोचों की वजह से वक्त जाया कर सकते हैं। एफ वाले जो है मामला की डिले की वजह से और अपनी सेहत के मामला की वजह से और नजरबंद का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, और आई वाले दिली ख्वाहिशात नहीं पूरी होंगी इस वजह से मायूस हो सकते हैं। जे वाले अचानक काम रुकने से परेशान हो सकते हैं। एल वाले सोच विचार की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। एम वाले
ज्यादा रूहानियत को फोकस करके और सोचों में जाके थोड़ा सा अनबैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और पी वाले मजूस उदास और नेगेटिव होने की वजह से डिले करा रहे हैं मामला। आर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होके काम तो बड़े करेंगे मगर कहीं ना कहीं किसी का दिल ना दुखा दें। एस वाले मजूसी नेगेटिविटी और उदासी और ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी का शिकार, और टी वाले अच्छे मामलात करेंगे, ये नहीं कि आपकी नेगेटिव इतनी एनर्जी है लेकिन सुकून के साथ करेंगे, आपको थोड़ा सी रेस में फास्ट दौड़ना पड़ेगा। वी वालों को बड़ी खबर मिल सकती है और ये खबर के ही चक्कर में ना रहे बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करें, अमली जिंदगी की तरफ आए। डब्ल्यू वाले ओवरऑल अच्छे बैठेंगे लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आप ले सकते हैं उसमें और मेहनत की जरूरत है। और जनाब बाकी तो आपको सबको बता दिया है क्या सूरत हाल रहेगी। जबरदस्त दादू, बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे रीडिंग दी है और फोरकास्ट बड़ा अच्छा बताया है। मैं चाहूंगा कि ये जो टॉप आपने निकाले थे इनका मैसेज भी निकाल लें साथ। अच्छा जी, टॉप वालों को यूनिवर्सल क्या मैसेज दे रहा है? ये मैं यूनिवर्सल का मैसेज टॉप वालों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है? आपको ख्वाबों को एक अमली मनसूबे की जरूरत है। और जिनकी नेगेटिव एनर्जी आई है उनके लिए मैसेज क्या है वो भी देखते हैं जी। नेगेटिव है, अच्छा परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि 2025 चल रहा है, बेहतरीन टाइम है अपने मामलात को सेट करके आगे बढ़ने का, 2025 में जाने का। अच्छा वो जो परफेक्ट टाइमिंग है जो तो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खास है क्योंकि मैं वो एक खास अमल बताने लगा हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छी एनर्जी रख रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो जो खास अमल करोगे तो उससे आपकी कामयाबी के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो 15 दिनों में जो दिन फ्राइडे का आएगा, जुमे का, अच्छा शनि, अब मैं एस्ट्रोलॉजी को भी साथ ले रहा हूँ, शनि यानी कि मोहब्बत की देवी जुमे को आपके कामों को देख रही है। जुमे को देख रही है तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, मीठा। जितने भी दो जुमे आएंगे आपने फ्राइडे के दिन मीठा लेना है, रसगुल्ले ले लें घर में लाएं और उसके ऊपर आप लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 319 मरतबा पढ़ें, घर वालों को खिला दें और बाहर बच्चों को बांट दें। इसकी तादाद कितनी हो? इसकी 500 ग्राम तादाद हो या इसकी तादाद जो है 1000 ग्राम हो, ये दो तादाद हो घर में ये खाएं। जिनकी नेगेटिव एनर्जी है उनके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और वो कितनी है? 319 मरतबा पढ़ना है इसके ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना। कोई भी अगर आप ना पढ़ सके तो खाली मीठा लाएं जुमे को, और यही वाइट कलर, बर्फी भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, वाइट मीठा हो ठीक है, ये करें ठीक हो। और जो ये करें वो हमें मैसेज जरूर करें, व्हाट्सएप पे कर दें, कमेंट में कर दें, रابطہ कर लें, इंशाल्लाह अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा। जबरदस्त दाऊद भाई, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को बताया। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट से जो चीजें थी वो भी बताई, पॉजिटिव भी बताई। बाकी करना मेरे अल्लाह ने है, ये एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।